कराची में समंदरी हवाएं रुक गई, शहर में हिद्दत बढ़ने लगी। 12-37 डिग्री तक जाएगा, महकमा मौसमियात की पेशगोई। गर्मी की लहर 26 सितंबर तक बरकरार रहेगी। तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर एफी ड्रेन कोटा केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले हनीफ अब्बासी अडियाला जेल से अटक जेल मुंतकिल। हनीफ अब्बासी की जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात की तस्वीर लीक हुई थी। खारजा शाह महमूद कुरैशी अमरीका रवाना हो गए, 29 सितंबर को अकवाम मुत्तहदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। वजीर खारजा प्रोटोकॉल के बगैर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, बोर्डिंग के लिए लाइन में लगे, शहरियों के साथ सेल्फियां भी बनवाई। मुलाकात मंसूख करने के भारतीय ऐलान पर मजीद मायूसी हुई, तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। भारतीय इकदाम से ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों को धचका लगा, पाकिस्तान ने भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। नवाज शरीफ आज से सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे, अहम रहनुमाओं को जाती उमरा तलब कर लिया, कानूनी टीम को भी बुला लिया, मुकदमात और सियासी मामलत पर मुशावरत करेंगे। खैरपुर में गंबट कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच उलट गई, एक मुसाफिर जां बहक, 20 जख्मी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने कश्मीरियों की नाक में दम कर दिया, पुलवामा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान घर घर तलाशी।